शक्ति नमो नमः। तो 2023 नेक्स्ट वर्ष 3 नंबर के लिए अच्छा या बुरा जाने वाला है, जानिए। इस बात पर चर्चा करने जा रहा हूं आपका अपना न्यूमरोलॉजिस्ट एच के गुमेर। तो ध्यान से सुनिए, 3 नंबर कैसे बनता है। 3 नंबर बृहस्पति का होता है, 12 तारीख होती है, 1+2 3 नंबर, ये भी 3 नंबर बृहस्पति का बन गया, और 21 नंबर 2+1 ये भी 3 नंबर, 30 3+0 3 नंबर। तो 3 नंबर बृहस्पति का जिसको बोलते हैं हम देव गुरु, जो भी 3/12/30 में 3/12/21/30 में पैदा होता है ऊपर गुरु कृपा रहती है, देव गुरु होते हैं। तो नेक्स्ट वर्ष जनवरी और फरवरी 3 अंक वालों के लिए अच्छा रहेगा, मानसिक तौर पर जितनी परेशानियां कम हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात है, कोई भी यदि स्टूडेंट इस टाइम में मेहनत से अप्लाई करोगे तो उनको पर शनि की भी कृपा रहेगी, जिससे उनको रिजल्ट बहुत बढ़िया मिल जाएगा। और सबसे बड़ी बात है, इस टाइम पीरियड में जितने भी धार्मिक अदारे पर गुरु साहु संत फकीर इस मुलाकात से रिलेशन रखते हैं, उनके लिए सिद्धि वगैरह कोई भी पाठ हवन करना उनके लिए 100% ऊपर इष्ट की कृपा रहेगी। व्यापारिक पत्र पर ये 2 महीने मतलब 3/12/21/30 के लिए 3 नंबर वालों के लिए 50-50 रहेंगे। कारण ये नंबर होता है अध्यात्मिक, तो भौतिक नहीं होता है, इसलिए मतलब ये नहीं उनको नुकसान होगा, फिर भी उनके अच्छा रिजल्ट मिलेगा, लेकिन ज्यादा फायदा नहीं होगा। तो ज्यादा फायदा करने के लिए मैं अभी उपाय बताऊंगा जिससे आपको बहुत फर्क पड़ेगा। और दूसरी बात, जितने भी पॉलिटिशियन है 3/12/21/30 में मोस्टली लोग जितने प्रिंसिपल होते हैं, धार्मिक अदारे पर गुरु होते हैं, पॉलिटिशियन होते हैं, बड़े बड़े पॉलिटिशियन स्टेट में ही पैदा होते हैं, तो उनके लिए भी 3 महीने 2 बहुत अच्छे जाने वाले हैं। कोई भी मेजर डिसीजन, कोई नए तौर पर कोई भी मीटिंग वगैरह कोई प्रयास करना चाहते हैं कोई नया मुद्दे पर, तो उनका 100% कामयाब होने की संभावना रहेगी। तो मार्च और अप्रैल स्टूडेंट्स के लिए 3 नंबर वालों के लिए ठीक ठीक जाने वाला है। और यदि वो पढ़ाई करेंगे उनके लिए मतलब 100 में से कम, यदि देखो स्टूडेंट जितने भी हैं यदि लगन से पढ़े हुए तो कम से कम 90% उनका रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। कोई भी आईएलट्स के रिलेटेड या कोई भी जॉब के रिलेटेड यदि वो कोई भी अप्लाई करना चाहते हैं तो 3/12/21/30, 6/15/24, 9/18/27 में करोगे तो 100% इन महीनों में कामयाबी की संभावना है। और व्यापार के पत्र पर जितने भी या आईएएस आईपीएस 3 नंबर में ही होते हैं मोस्टली, तो जो प्रिंसिपल्स हैं या टीचर्स हैं उनके लिए भी 2 महीने बहुत अच्छे रहेंगे। कोई भी नए तौर पर कोई भी अपनी कोई किताब की रचना करना चाहते हैं या कोई भी अध्ययन करना चाहते हैं उनके लिए, या प्रमोशन के रिलेटेड या पब्लिक के रिलेटेड कोई अफसर काम करना चाहते हैं उनको काफ़ी हद तक मतलब अच्छा रिजल्ट मिलेगा। आगे आ गया मई और जून, मई और जून ये 2 महीने भी व्यापारिक पत्र को लेने के लिए सबसे बढ़िया जाने वाले हैं। 3 नंबर के लिए जितने भी छोटे अदारे पर या बड़े पर अदारे पर व्यापारी हैं वो पार्टनरशिप पर काम कर सकती हैं। और सबसे बड़ी बात, स्टूडेंट जितने भी हैं इन दिनों में घूमना फिरना थोड़ा कम कर दें, पढ़ाई की तरफ ध्यान दें, फजूल में इधर उधर ना घूमें जिससे उनका नुकसान हो सकता है। जितने भी जो लोग घर में जैसे गृहिणी होती है जो पत्नियां होती हैं उनके लिए भी ये अच्छा मतलब समय रहने वाला है। मई और जून जो परिवारिक तलाक के लिए शिकार होंगे, परिवार में सहयोग बढ़ेगा, इधर उधर की यात्रा बढ़ेगी। तो जितने भी पॉलिटिशियन हैं 2 महीने उनके लिए भी अच्छे जाने वाले हैं। जुलाई और अगस्त ये 2 महीने बहुत ही बढ़िया जाएंगे खास करके स्टूडेंट्स के लिए। और 3/12/21/30, 6/15/24 तो 9/18/27 में यदि कोई भी कार्य करेंगे तो उनको काफ़ी हद तक फायदा होगा स्टूडेंट के लिए। छोटे अदारे पर जितने व्यापारी हैं और बड़े अदारे पर व्यापारी है, एक बात मैं कॉमन रखता हूँ घर के लिए, तो घर जो भी नए तौर पर बनाना चाहते हैं या खरीदना चाहते हैं 3/12/21 के लिए 2 महीने में उनका घर भी बन सकता है, नए तौर पर कोई भी प्लॉट वगैरह जमीन भी खरीद सकते हैं। जो पॉलिटिशियन है प्लस व्यापारी है उनके लिए 2 महीने बहुत बढ़िया जाने वाले हैं। कोई भी नए तौर पर कोई उनका टाइम या अपनी पार्टी के लिए कोई भी बढ़ोतरी चाहते हैं तो उनके लिए भी बढ़िया रहेगा। जितने
जॉब करते हैं उनके लिए भी ये दो महीने बहुत ज़्यादा अच्छे जाने वाले, चाहे वो प्राइवेट हो चाहे वो गवर्नमेंट रिलेटेड हो। तो आगे आ गया सितंबर महीना, सितंबर महीना जो है 19 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक ये महीना भी 50-50 जाएगा स्टूडेंट के लिए, मतलब काफ़ी अच्छा रहेगा क्योंकि ये महीना 5 नंबर बुध का होता है तो 3 नंबर बृहस्पति का होता है, ये देवगुण होते हैं, बृहस्पति पढ़ाई का कारण होता है, बुध होता है विवेकानंद बुद्धि का। तो स्टूडेंट के लिए ये महीना 19 अगस्त से लेकर 19 सितंबर तक बहुत बढ़िया जाने वाला है। उसके बाद में जितने भी व्यापारिक पत्र पर लोग हैं, यदि वो सोच समझ कर जल्दबाजी ना करें, डिसीजन बढ़िया लें, तो काफ़ी हद तक उनका प्रॉफिट हो सकता है। सेल रिलेटेड कोई भी काम करते हैं कमीशन रिस्क पर, इंश्योरेंस में, बैंकिंग में, उनके लिए बहुत ही बढ़िया ये महीना जाने वाला है। हाई पॉलिटिशियन जितने भी हैं, धार्मिक गुरु है, धार्मिक जितने पंडित हैं, ब्राह्मण ज्योतिष है, उनके लिए भी ये महीना 19 अक्टूबर से लेकर 19 सितंबर तक बहुत अच्छा जाने वाला है। तो 19 अक्टूबर से लेकर 19 नवंबर तक ये महीना जो है उनके लिए 50-50 जाएगा। जितने भी स्टूडेंट्स हैं, व्यापारिक पत्र पर लोग हैं, छोटे अदारे या बड़े अदारे पर, या जितने भी जॉब रिलेटेड है, गवर्नमेंट जॉब, प्राइवेट जॉब, या किसी भी अदारे पर जॉब करते हैं, ये 50-50 ना ज़्यादा अच्छा ना ज़्यादा बुरा। तो 19 नवंबर से लेकर 31 दिसंबर तक ये जो महीना है 3, 12, 21, 30 के लिए बहुत बढ़िया जाने वाला है। मतलब बनते कामों में जितनी भी रुकावट है वो दूर होनी शुरू हो जाएगी, खास करके स्टूडेंट्स के लिए जो बाहर जाना चाहते हैं, वो नेक्स्ट जो उनकी सेशन होता है जनवरी में उसमें जा सकते हैं। दूसरी बात, स्टूडेंट्स कोई भी यदि नेक्स्ट कोई प्लान करना चाहते हैं अपने कोर्स के रिलेटेड या अपने जॉब के रिलेटेड, बहुत सक्सेस होंगे। घर में जितनी भी गृहणियाँ हैं, पत्नियाँ हैं, उनके लिए भी ये महीना बहुत अच्छा जाने वाला, पारिवारिक तलाक के शिकार हो जाएंगे, परिवार में सहयोग मिलेगा और उनकी मन की इच्छा पूरी होगी। और जितने व्यापारी लोग हैं उनके लिए 50-50 रहेगा, ना पैसा मतलब यदि ज़्यादा आएगा नहीं तो ज़्यादा खर्च भी नहीं होगा। पॉलिटिशियन जितने भी हैं, यदि इस टाइम में अच्छा डिसीजन सोच समझ कर लें तो काफ़ी हद तक समाज का भला कर सकते हैं। तो ये मेरी 30 साल का जो एक्सपीरियंस है, तो इनको पाने के लिए भक्ति रस चैनल को सब्सक्राइब करें। अगला साल जो है आप सभी के लिए अच्छा रहे, मंगलवार रहे, और जितने मैंने उपाय बताए हैं यदि आप 3 नंबर के रिलेटेड तो आप उन पर इम्प्लीमेंट करें, जिससे आपका नेक्स्ट वर्ष आपको खुशियां भरा लेकर आए। 3 नंबर के लिए स्पेशली 3 नंबर जिनका 3, 12, 21 और 30 नंबर है। ओम शिव शक्ति, नमो नमो। बंधुओं, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल भक्ति रस लाइव को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया सर्वप्रथम आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से आप अध्यात्म से जुड़ते हैं, आप भगवान से जुड़ते हैं, नए नए भजन इस चैनल के माध्यम से आप श्रवण करते हैं, और माता रानी के जागरण इस चैनल के माध्यम से आप घर बैठे देखते हैं, और बहुत से ज्ञान के भंडार इस चैनल के माध्यम से आपको प्राप्त होते हैं। तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल का चिन्ह दबाएं, ताकि हमारे द्वारा दी गई प्रत्येक जानकारी आप तक सहजता से प्राप्त हो सके। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।